बचपन में छोटे छोटे थे तो आती होती थी यहाँ पे, बड़ा अच्छा रहता होता था। लेकिन अब भी जो है वो जब भी यहाँ पे आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, ये लाइट स्कूल है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं हमेशा। पता नहीं यहाँ था, शायद वो आगे वाला है। हाँ, ये मामा की फ्रेंड भी पढ़ाती है, उनका लाइट की सबसे बड़ी ब्रांच है यहाँ पे। हाँ, वो पढ़ाती हैं यहाँ पे। वो रोड पे बहुत बम्प्स हैं। अभी हम झूले देंगे अपनी मामा को और हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते हुए, हमारे कदम डग डग मगा रहे हैं। ईद की रूटीन जो है वो बड़ी बोर थी इस दफ़ा, क्योंकि मेरे भाई की भी शादी हो गई, मेरी बहन की भी शादी हो गई, और मैं और मेरी मामा, मैं और मेरा दिल भर जानी अकेले थे। मामा मिस किया आपने हसन और सदफ को? हैं, मिस तो किया, मिस किया है जी, अम्मा ने मिस किया है। बुलाकर है, बुलाकर जा रही है, ये बुलाकर है, लेकिन हम बुलाकर नहीं जा रहे। Why are we going on this way? बुलाकर आता है ना रास्ते में। ये जी कलर सईदा की जो है ये बड़ी अच्छी रोड है, मेरी बहुत फेवरेट रोड है, क्योंकि इस पर गाड़ी बहुत अच्छी चलती है और इस पर स्पीड जो है वो रिड्यूस नहीं होती, कोई जंप ब्रेक नहीं है यहाँ पे। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है इस रोड पे गाड़ी चलाने का। और ये रोड जो है ये थ्रू आउट, कहाँ पे मामा ख़त्म होती है ये रोड? कलर सईदा से आगे कहाँ जाती है? अच्छा, चौहा खालसा वगैरह में ये जाती है। वहाँ पे भी मेरी कज़न की जो बेटी है वो रहती है, वहाँ पे वो जॉब करती है। वो कोने में पहाड़ वगैरह देखें आप लोग, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है कलर सईदा का। ये जी DHA होम्स के नाम से बहरिया का ही प्रोजेक्ट है, बहरिया और DHA का ये प्रोजेक्ट है। बड़े अच्छे घर यहाँ पे भी मिलते हैं, मैंने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है, बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे अच्छी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो बनी हैं अभी न्यूली बिल्कुल। ये बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट, क्योंकि ये बहरिया है पीछे और यहाँ पर ये आगे खाना वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, और स्कूल है उनका। एक दफ़ा हम यहाँ पर भी गए थे। और ये मेरी मामा का ईद का न्यू बैग, ये वाला कलर जो है ना मस्टर्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें सलाम गाजी, माशाल्लाह कितना बड़ा आलम है, बहुत बड़ा आलम है माशाल्लाह। सलाम या हुसैन, ये भी आलम लगे हुए छोटे छोटे। सलाम गाजी, सलाम गाजी, वफा का है तू पयाम गाजी। अच्छा जी, चेक दिस आउट। ये जी चौक पिंडोड़ियाँ है मेरे ख्याल में, है ना, कलर बाजार है और ये चौक पिंडोड़ी है। आई डोंट नो इफ एनीवन नो दैट, देन काइंडली करेक्ट मी कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मुझे तो ये कलर बाजार ही लग रहा है। हाँ, चौक पिंडोड़ी है, अम्मा कह रही हैं चौक पिंडोड़ी, चौक पिंडोड़ी होगा फिर, ये उधर का बाजार है, बड़ा अच्छा बाजार है। यहाँ पे हम पहुँच गए चौक पिंडोड़ी।
कोई 110 120 की स्पीड पे चला रहे हैं। यहाँ भी पास हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी मामा की कज़न के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सी जगह थी अम्मा, खारू इब्रार भाई जहाँ पे रहते हैं, मेरा में रहते हैं वो लोग, पुलिस चेक पोस्ट। जाता था तभी ये पुल बना था, लेकिन अब पानी जो है वो गायब हो गया और पुल जो है वो अपनी जगह पे। लोगों ने यहाँ पे गंदम की काश्त भी की हुई है और आहिस्ता आहिस्ता साथ कट भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है या ये वाला इलाका जो है कश्मीर वगैरह कलर, ये हाँ ये अपना इलाका है मेरा, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा कहूटा अच्छा लगता है और नारा मटोर अच्छा लगता है और कलर। ये जी कौन सी पहाड़ी है मामा बताएं? टोर की पहाड़ी है। यहाँ पे लोग उन्हें गंदम भी अपनी प्रॉपर काट दी है। एज यू कैन सी इस टोयोटा वाले ने मुझे पहले जगह दी थी, अब फिर पहाड़ी के चक्कर में हम लोग पीछे रह गए। अभी हम इसको करेंगे ओवरटेक। मुझे ना गाड़ी चलाने का मज़ा तब आता है जब कश्मीर का कोई हैवी पहाड़ियों वाला ड्राइवर हो और मैं उसके साथ रेस लगाऊँ। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी। फिर एक दिन मैंने ऐसी रेस लगाई ना इनके साथ, तो जीती तो नहीं, खैर मैं भी बोलूँ जीत गई, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ पहुंची।
बड़ी तेज चलाते हैं ये। फर्क ये था ये टुन होके चला रहे थे और मैं खुली आंखों से चला रही थी। सो तो जी वेलकम बैक। ये आप लोग देख सकते हैं कि कोयल बोल रही है पीछे, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। और लेट मी शो यू, ये चेक करें गंदम कितनी प्यारी है, और ये देखें ये मैं कितनी प्यारी हूँ। और माशाल्लाह इतना प्यारा सीन है, ये गाँव है और ये हमारी रवायात हैं जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए। और आई होप सो के आपको ये जो है अच्छा लगेगा। ये चेक करें जी, गंदम गंदम की कटाई हो रही है, ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं। मामा क्या, अम्मा कैसा फील हो रहा है गंदम काट के? बिल्कुल कैसे मैच करता है मेरे कपड़े और इसके कपड़े। ये मेरी प्यारी बहन, ये कोयल बोल रही है साथ 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 साथ। हम इधर खेतों में आए हुए हैं और इतने प्यारा सीन है। ग्लासेस गुम हो जाएंगी मेरी। सिर्फ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गंदम की कटाई जो है वो जारी है और लेट्स सी के कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे तो लोग सुबह अर्ली उठ के तो गंदम की कटाई शुरू कर सकते हैं। ये पीछे आप मेरे देखें, डबल टैप करके मैं आपको ये वाली सारी दिखाती हूँ, ये भी सारी क्लियर करती हैं। मेरी अम्मा बैठी हैं, मेरे कज़न्स वगैरह हैं, गंदम काट रहे हैं सारी। ये आप देख सकते हैं बकरी का बच्चा, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है माशाल्लाह। देखें इसका कोई वेट नहीं है, ही सो क्यूट, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये पीछे का अगर मेरा कैमरा मैन सीन दिखाए, और मुझे भी कैमरा मैन इधर अंदर ला। ये इस बच्चे का देखें कितना क्यूट है, बोलो हाय। दोबारा पकड़ लो, बोलो हाय, बोलो हाय बेबी हाय। बहुत क्यूट है, लिटरली ही सो डैम क्यूट। ये देखें जी, खुद मिलनी आऊंगी इतना क्यूट है। सदफ कैसा है ये? सदफ इट्स सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत गॉर्जियस बच्चा है, बहुत गॉर्जियस। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे कुछ पीछे जानवर भी थे, हमने कहा चलो इस बकरी के बच्चे को उठाएं। और इसको उठा के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही ना, बहुत क्यूट है ये, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हेलो, इसकी अम्मा जो है वो कहीं रुला ना दे। हेलो, इसका नाम क्या है सदा? इसका नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम? नूरजहान। नूरजहान, इसी गर्ल और बॉय? नूरजहान। सो तो अपने वीलॉग का हम लोग करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप सो आपको ये द टूर ऑफ कलर सईदा जो है ये पसंद आया होगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।